वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज़ योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। लेकिन उससे पहले मुझे बता दीजिए कि क्या मैं आपको विजिबल और ऑडिबल हूँ, एक बार जल्दी से। हाँ जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं आपको विजिबल हूँ। और एंट्री करते ही फीस भर देनी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ओके चलिए, सो दिस इज ब्लड रिलेशन। ऑफ कोर्स मैंने जो डे वन कहा था मैं उसी को लेके आगे बढ़ रहा हूं, मतलब कि उन्हीं चैप्टर्स को, उसी सिलसिले को आगे जारी कर रहा हूं। और हमने सब स्टार्ट किया था सिलॉगिज्म से ही स्टार्ट किया, और उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने आई थिंक इनिक्विटी किया, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज किया, फिर कोडिंग डिकोडिंग किया, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और आज हम लोग वर्बल रीजनिंग में एंटर कर गए, मतलब वर्बल रीजनिंग इन द सेंस कि जहाँ पे हम वर्ड्स को, मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आपको कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड व्हाट इज द रियल डिमांड ऑफ द एग्जामिनर्स, और यू कैन से द एग्जामिनेशंस, उनकी क्या रियल डिमांड है वर्बल रीजनिंग से, और वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है या फिर इंटरलिंक्ड है, उन सभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एजेंडा क्या है सेशन का, ऑफकोर्स हम किस चीज़ को अब लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, उसका डे वन होगा आज, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक लॉजिक, बेसिक क्वेश्चंस पे चर्चा होगी ऑफकोर्स। सो यस, न्यू चैप्टर। सो आगे बढ़ने से पहले मैं फटाफट डिस्कस करता हूँ कि वैसे वर्ड, वैसे शब्द जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि एडुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई बिल्कुल, लाइक वाइक ठोक के ही एंटर करना है क्लास में। चलिए, सो वैसे ये जो बात लिखी गई है ना यहाँ पे, ये बड़ी अच्छी बात है। पता है इसको मैं आपको कैसे इसको डिकोड करता हूँ, आपके दिमाग में कैसे फिट करूंगा मैं इस बात को। एडुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। इस फ्रीडम को कैसे रिलेट कर सकते हो आप, इस फ्रीडम को कह सकते हो यंग एज अर्निंग फ्रीडम। दैट मीन्स अगर आप बहुत ही कम उम्र में, यंग एज में अगर आप अर्न करना शुरू करते हो, तो उससे बड़ी अच्छी बात कुछ नहीं होती। नौकरी लास्ट में सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, मतलब कि एट द एज ऑफ, एट द एंड ऑफ द 30th 30 एज, दैट मीन्स कि उस समय तक कहीं ना कहीं कुछ, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवसाय में किसी न किसी तरीके से सेट हो चुके होते हैं। लेकिन ये जो बात लिखी गई है ये बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी आज़ादी की बात कही जा रही है कि एजुकेशन जो है वो आपके आज़ादी का द्वार खोलता है। और मैं इस आज़ादी के द्वार को कैसे रिलेट करना चाहता हूँ कि यंग एज अर्निंग से। भैया पैसे सब कमाते हैं कहीं ना कहीं, तभी ज़िंदगी चल रही है सबकी। लेकिन मसला ये है कि आप कितनी जल्दी नौकरी शुरू करते हो, जितना जल्दी नौकरी शुरू करोगे उतना जल्दी आपको कहीं ना कहीं आप उस ज़िंदगी को, उस पैसे को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू गेट द जॉब एट अर्लीस्ट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चर्चा करना चाहता हूं इस मुद्दे पे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक आईपीएस साफिन हसन, एग्जैक्टली यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है 21 एज। लिटरली बहुत सही एग्जांपल दिया सनी शर्मा आपने, लिटरली। चलिए, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्बल रीजनिंग नाउ। मसला यह है कि बिना पेपर के उड़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, वर्बल रीजनिंग में बात कर रहा था मैं। वर्बल रीजनिंग कैसे रिलेटेड है, वर्बल रीजनिंग में ही आपका ब्लड रिलेशन आएगा, उसी में आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा, उसी में आपका ऑर्डर रैंकिंग आएगा, उसी में आपका सिटिंग एलिमेंट पजल्स आएगा। ये सारे के सारे चैप्टर जो आपको नजर आ रहे हैं ये सभी वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन ऑफकोर्स सबका अपना अपना डिमांड होगा, लेकिन कॉमन डिमांड जो वर्बल रीजनिंग हम कह सकते हैं वो क्या होगा, वर्बल रीजनिंग के का मतलब हो जाता है जब क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चंस जब वर्ड में प्रेजेंट किए जाएंगे, वर्ड्स में जब क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन इन वर्ड्स जब ये चीज हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। दैट मीन्स कि whenever the words will be there only, मतलब हमारे पास सवाल में सिर्फ words होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, तो उसको बोलते हैं verbal reasoning। Of course हमारे पास blood relation है, verbal reasoning का part है, direction distance हो गया, order ranking हो गया, sitting arrangement puzzles, ये सारे के सारे verbal reasoning के part हैं। अब इसमें examiner का demand क्या होगा, of course
डिमांड होगा एग्जामिनर का कि भाई साहब जैसे ब्लड लेसन पढ़ रहे हो या फिर आप डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहे हो या फिर ऑर्डरिंग पढ़ रहे हो या फिर अरेंजमेंट प्रपोजल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना होगा किसी ना किसी आपको पिक्चर में। जैसे कि मसला ये है कि अगर ब्लड रिलेशन है तो आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा, फैमिली ट्री ड्रॉ करना होगा। ऑर्डर रैंकिंग है तो आपको रो 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 में आपको आपको रैंक आपको डिज़ाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कौन सा बंदा किस रैंक पे है, इस तरह से आपको रो में प्लेस करना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको क्या करना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, डिस्टेंस बेस्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बेस्ड डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। अरेंजमेंट में हमें लोगों को अरेंज करना है अबाउट द सर्कल और यू कैन से ट्राइंगल, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के अराउंड हमें अरेंज करना है चीज़ों को, ठीक है। पजल्स में हमें चार्ट में डिफरेंट चार्ट्स में हमें लोगों को अकॉर्डिंग टू अ क्लू हमें फिट करनी है एलिमेंट्स को। सो दिस इज द थिंग, मतलब ये पूरा पूरा सिनेरियो है पूरे के पूरे वर्बल रीजनिंग का। दैट मीन्स कि डिमांड कहीं ना कहीं एक ही है, यू जस्ट कन्वर्ट द वर्ड्स टू गेट द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पार्टिकुलरली बात करना चाह रहा हूँ किस चीज़ पे, एज एंड ऑफ द सेशन पे, मतलब आज जो हमारी सेशन है वो है ब्लड रिलेशन को डेडिकेटेड, ठीक है। और नहीं, बारी बारी सब करेंगे, जैसे मैंने जो जो मैंने डे वन जैसे बताया है मैं वैसे ही आगे बढ़ूंगा। मैं डे वन जो डिस्कस जो चार्ट मैंने दिया था, डे वन की लेक्चर जो थी जीरो टू हीरो बैच में, जीरो टू हीरो बैच में जो मैंने डे वन बताया था मैं वैसे ही चलूंगा और वैसे वैसे चैप्टर खत्म होंगे और उसी हिसाब से उसको ब्रेक नहीं करने वाला हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात? जी हाँ, अब वर्बल चलेगा, अब यहां से वर्बल रीजनिंग लगातार चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा। सो एजेंडा क्या है सेशन का आज भाई, टू डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कोर आइडिया टू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली। पहले हम इस चैप्टर को समझने पकड़ने के लिए चैप्टर को क्या डिमांड है इसका ऑफकोर्स उसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और कोर आइडिया पर डिस्कस करेंगे, टू लर्न द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन, और उसके बाद साथ में साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी अप्रोच सीखेंगे। सेकंड बात हम क्या डिस्कस करेंगे आज हमारे इसमें क्या रहेगा, टू डिस्कस सम क्वेश्चंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोच, मतलब कि साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स आज के सेशन में, जिससे कि हम लोग अपने जो बेसिक आइडिया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ऑफकोर्स उसको अपन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। पूरे ब्लड रिलेशन में कितने तरह के सवाल आया करते हैं, ठीक है। सो यहां पे बात करेंगे पजल फॉर्म की बात करेंगे, फिर कोडिंग फॉर्म की बात करेंगे, फिर बात करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म की, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। हाँ चेतन चौधरी, दिस इज फॉर IBPS SO एज वेल, दिस बैच विल हेल्प यू एज वेल, ठीक है। सो पजल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे अपन बातों को, पजल फॉर्म के बाद डिस्कस करेंगे कोडिंग फॉर्म, फिर बात करेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म। वैसे इंडिकेटिंग फॉर्म आपके बैंक के एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ठीक है, कुछ खास तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वैसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए सवाल पे जाने से पहले फटाफट प्रिया सिंह, वेरी रिसेंटली आई हैव थॉट अबाउट द पेड बैच, तो पेड बैच विल बी स्टार्टिंग ऑन 11th और 12th मे, मतलब कि ये जो बैच आ रही है वो 11th और 12th संडे है, तो 11 या 12th से हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच। सो 11th या 12th मे से आपको बैच आ जाएगा पेड बैच, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। अगर अच्छे से सीखना है चीजों को तो अगले 10-15 मिनट चुपचाप ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। बहुत कायदे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, नजाकत से सुनना बातों को और फिर अपन सवाल पे चलेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, तो 10 मिनट तक अपन सिर्फ डिस्कशन करेंगे बेसिक आइडियाज की, बिकॉज बहुत जरूरी है बेसिक आइडिया डिस्कस करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। जिनको आता है बिल्कुल चुपचाप सुनना, जिनको नहीं आता है वो और चुपचाप सुनना, ठीक है। चलो सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है ब्लड रिलेशन का, कि वेन एवर वी यूज टू टॉक अबाउट द ब्लड रिलेशन इट मेक्स सेंस कि वी यूज टू टॉक अबाउट द रिलेटिव्स व्हिच हु आर ब्लड रिलेटिव, राइट। मतलब इस इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, जैसे नाम यहाँ क्लियर ब्लड रिलेशन, इससे कहीं ना कहीं ये जाहिर हो रहा होता है कि यार अपन ब्लड रिलेटिव की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स की बातें नहीं करेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग बात करेंगे दो तरह के रिलेटिव की। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में दो तरह के रिलेटिव होते हैं, एक को कहते हैं अपन ब्लड रिलेटिव और जो सेकंड होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन लॉज रिलेटिव, ठीक है।
एक जो पैदा होने के बाद मिलते हैं और एक जो हमें शादी करने के बाद मिलते हैं, ध्यान रखना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। एक जो पैदा होने के बाद हमें नजर आते हैं, जो लोग हमें हमें हमारे आसपास नजर आ रहे हैं हमारे फैमिली में, वो सब ब्लड रिलेटिव हैं। और दूसरे लोग जो शादी करने के बाद, बहुत ठेठ भाषा में समझते हैं, दूसरे लोग जो जैसे बर्बाद, सॉरी बर्बादी नहीं, सॉरी शादी, तो दूसरे लोग जब शादी करते हैं, आप शादी करते हैं मतलब जब भी करेंगे आप, शायद मतलब शायद ही बोल रहा हूँ, ये नौकरी लोगे तब तो आगे कुछ बात बनेगी। सो जब आप शादी करोगे, शादी के बाद जो नए नए चेहरे नजर आएंगे ना आपको, वो सब इन लॉज हैं आपके, कानून के तहत आपके रिलेटिव, राइट, कानून के तहत इन लॉज, ब्लड रिलेटिव दैट मीन्स वो तो आपको बाय बर्थ मिल रहा है, इन लॉज मतलब जो कानून के तहत आपके रिलेटिव बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ व्हाट आर द थिंग्स वेयर वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी ब्लाइंडली वी नीड टू बिलीव दैट मेल एंड फीमेल को यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, मेल को, मेल जेंडर और फीमेल, जेंडर डिफिनेशन, जेंडर प्राथमिकता हमेशा जेंडर को देनी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ अब शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे अगली बात जो हमें यहाँ पे करनी चाहिए, वो करनी चाहिए नोटेशंस को लेके, ठीक है, नोटेशंस, नोटेशंस मतलब किसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। किसे हम कैसे डिनोट करते हैं ये बड़ा मैटर करता है, पता है, इस चैप्टर में। वैसे आप लोग प्लस, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम मेल पर्सन की, तो मेल को डिनोट करने के लिए इसे कुछ लोग बॉक्स यूज करेंगे तो कुछ लोग प्लस साइन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड है फीमेल, अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हो, कुछ लोग सर्कल यूज करेंगे तो कुछ लोग माइनस साइन यूज कर रहे होंगे। थर्ड है यहाँ पे मैरिड कपल, मैरिड कपल कर लेते हैं, मैरिड कपल सीख लेते हैं, मैरिड कपल। सो मैरिड कपल का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो हमारे समान समान पीढ़ी में हैं, मतलब और मैरिड है, मतलब कि ऑफकोर्स वो मैरिड कपल मतलब ही क्या हो गया, समान जनरेशन की बात करता हूँ, अगर सेम जनरेशन की बात कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स इसका मतलब हिंदी मतलब क्या हो गया, समान पीढ़ी। अगर समान पीढ़ी वाले लोग होंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, सेम जनरेशन मतलब क्या हो गया, समान पीढ़ी मतलब कि मान लो एक मेल पर्सन है, उसकी ये बहन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे समान पीढ़ी वाले को, इसके बहन की शादी हो गई, मान लो उसका पति है ये मेल है, मान लो इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, इस मेल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ये सिस्टर हो गई उसकी, ये कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, उसकी भी बहन है तो ये हो गई सिस्टर इन लॉ इसकी, ठीक है। सो इस तरीके से हम जब भी सेम जनरेशन को डिनोट करेंगे तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट विल यूज हियर, हॉरिजॉन्टल लाइन, horizontal line to indicate the people who are from same generation, ठीक है। अगर हम generation gap को represent कर रहे होंगे, generation gap इसको denote कर रहे होंगे तो हम vertical line इस्तेमाल करेंगे ऐसे, ध्यान रखिएगा, बहुत simple simple बात है, ठीक है, बहुत simple simple बात है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे, हम आराम से वर्टिकल लाइन यहाँ पे अरेंज करेंगे, एक एक वर्टिकल वर्टिकली अटैच करेंगे सिंपल सी, अगर हम यहाँ इंग्लिश वर्ड लिखना चाहें इसके लिए तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से हम अरेंज करेंगे यहाँ। जब भी हमें जनरेशन गैप शो करना होगा तो हम वर्टिकल लाइन से यूज करेंगे। हाँ आप देखो इंडिकेट नोटेशन जो है ना, ये नोटेशन जो है इसमें कोई रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल, कि अगर आपको है तो आप, आपको मन कर रहा है कि मैं घर बना के उसमें मेल पर्सन को डिनोट कर जाऊं, घर बना लो यार, तुम मेल पर्सन को डिनोट करने के लिए एक सर्कल बना के ऊपर सिंह लगाना चाह रहे हो, लगा लो, मुझे क्या मतलब है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स, ये आपका पूरा खेल है, ये इट्स योर चॉइस, आपको क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या जो भी करना चाह रहे हैं आप कर लो, ठीक है, ठीक है। हाँ बस बेसिक बात ये जरूर याद रखिएगा कि जब सेम समान हम पीढ़ी दर्शा रहे हो तो हम छैतीस लाइन का इस्तेमाल करें, मतलब कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करें, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, उसमें आप एरो बनाएं, आप उसको तार लगा दें, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते समय ऐसे ऐसे इस्तेमाल करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रेजिस्टर लगा दें वहां पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, बात समझिएगा। वेन एवर विल टॉक अबाउट द वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स कि आपको वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करना है, आप वहां पे कैपेसिटर लगा दो, मुझे क्या मतलब है, बात समझ रहे हो, आप कैपेसिटर लगा दो यार, ठीक है, मुझे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेजिस्टर लगा दो वर्टिकल लाइन इंडिकेट करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द बेसिक आइडियाज, जो नोटेशन जो थे इसका, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मतलब इसको आगे भी इस्तेमाल कर पाए, मतलब कि समझ रहे ना बात,
ये रहा फीमेल, ये मेल फीमेल को हम इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ कोर्स 100, ये जो आपके हस्बैंड और वाइफ होते हैं ये कहीं ना कहीं बराबर के हकदार होते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से इज इक्वल टू हियर, अ मेल एंड फीमेल विल बी अटैच विद द डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से इज इक्वल टू, ठीक है, चले आगे बढ़े, चलिए। सो और क्या बातें हैं जो मैं ख्याल रखनी पड़ेगी, रिलेशंस, ऑफ कोर्स रिलेशंस का ख्याल रखना पड़ेगा, रिश्ते, रिश्ते जिनका ख्याल नहीं रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे जिंदगी में, ठीक है, बात समझ में आ रही है, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, और आई होप कि आपको सारे के सारे रिलेशंस मालूम हैं, भाई क्या क्या रिलेशंस हमारे फैमिली में होते हैं, ये सब मालूम होगा आई थिंक, ठीक है। देखो जिन बच्चों को आप पता नहीं चल रहा है कि ये क्लास कब चलती है, उनके लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, साफ साफ चमक रहा होगा, कैच मी लाइव एट 11 AM एवरी डे, राइट, तो आप 11 बजे डेली आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर यू आर एन इंजीनियर, ये एग्जैक्टली दैट्स वाई कैपेसिटर और रेजिस्टर कर रहा था मैं, समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है, चलो। सो आई विल मूव फॉरवर्ड, और एक हम सवाल पर जाने से पहले थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किस बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, नो आई एम नॉट अखिल, ठीक है। तीन तरह के सवाल होते हैं इस चैप्टर में, ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशन चैप्टर में पहला हो जाएगा आपका जो हमने पजल फॉर्म जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल एक से एक रखे हुए आगे, तो बहुत ध्यान से एकदम बने रहिए, एक से एक सवाल ऐसे सवाल नजर आने वाले हैं सेशन में आपको, जो कि शायद आप नहीं देखे हो, मतलब लिटरली ऐसे प्रेजेंटेशन सवाल का होगा जो आपको हमेशा देखने मिलता है, कुछ नया देखने मिलता है आपको मेरे सेशन में, ऑफकोर्स मिलेगा, वो रटी रटाई बात करने से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा गया, ये हमेशा इसको बहुत ध्यान से पढ़िए हिंदी वाले बच्चे, आप देखो ध्यान से मैं हिंदी में सवाल लेके आ गया हूं। सो यहाँ पे क्या लिखा गया, टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन रिमेंबर दिस टू पॉइंट इन द सिक्वेंस दे आर रिटन एंड अप्लाई देम इन द सेम सिक्वेंस, बहुत प्यार से, ठीक है। रक्त संबंध के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इन दोनों बिंदुओं को उनके द्वारा लिखे क्रम में ही याद रखें और उन्हें उसी क्रम में लागू भी करें। अब ये छोटी सी बात ना शायद ही आपको कोई बताएगा कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां बताया जा रहा है, मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि जब भी आप ब्लड रिलेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, ब्लड रिलेशन में सबसे पहली प्राथमिकता किस बात की होनी चाहिए कि जेंडर डिफाइन कीजिए आप। जेंडर डिफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जेंडर डिफाइन करोगे तभी मालूम चलेगा कि वो मामा जी हैं कि मामी हैं, बात समझिएगा, तभी मालूम चलेगा कि वो फादर है कि मदर है। द जेंडर डिफिनेशन मस्ट बी द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ ब्लड रिलेशन। सुनील सरोज कह रहे हैं सर आज कंप्लीट हो जाएगा ब्लड रिलेशन, आपको क्या लगता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो फिर नहीं होगा, आप कंप्लीट करने के लिए पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल हो जाएगा, मतलब एक होता है खाना पूर्ति की, मुझे मेरा ये चैप्टर हो गया ऐसे करना चाहता हूँ मैं करा दूंगा यार, मैं तो 10 मिनट में करा दूं फिर, ठीक है। तो दो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, पहला की पॉइंट्स है जेंडर डिफिनेशन, जब भी सवाल पढ़े तो सबसे पहले प्राथमिकता दे जेंडर डिफिनेशन की, सेकंड थिंग जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो जनरेशन गैप का ध्यान आप दूसरे क्रम में रखें, मतलब ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल पे चले, आप नोटबुक और पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिकॉज मैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, पहला सवाल बिल्कुल बउआ सवाल होगा, तो कोई इशू नहीं है, आप बउआ सवाल शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा, ठीक है। सो जेंडर डिफिनेशन सेकंड प्राइमरी थिंग इज, सेकेंडरी थिंग इज जेंडर जनरेशन गैप, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, नोटबुक और पेन तैयार, सवाल को सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और सवाल जो है वो आपके सवाल जो है वो दोनों ही भाषाओं में लिखे हुए हैं, तो अब आपको आपत्ति नहीं होगी आई थिंक इसमें, सुष्मिता बिल्कुल मेंस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल लेके मेंस लेवल तक जाएंगे, आप देखो तो अभी शुरुआत है, आज फर्स्ट डे है बिल्कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल चलेंगे, फायरिंग करके उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे सब। आई थिंक ये सवाल हो चुका होगा, नोटबुक और पेन के साथ रिश्तेदार भी तैयार, अच्छा वेरी गुड राहुल। तो काफी इजी सवाल है, अगर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रिकमेंडेशन यहाँ पे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को। पहला सवाल है बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी इस चैप्टर ऑफ ब्लड रिलेशन में आप नाम से, मतलब नाम जैसे होगा नेम, जैसे नेम लिखा गया, नेम नाम लिखा गया सुनीता,
तो नाम से कभी भी जाहिर नहीं करेंगे कि जेंडर फीमेल होगी। सुनीता है तो सुनीता इज, ये जरूरी नहीं कि सुनीता जो होगी वो फीमेल ही होगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि अगर राहुल है तो लड़का ही होगा। ठीक है, मान लो मेरा नाम राहुल है और मैं जाके ऑस्ट्रेलिया में बोल दूँ, मतलब मान लो मेरा नाम राहुल है, मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया, मैंने मान लो अपना नाम रख लिया पूजा, और मैं जाके ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया कि माय नेम इज पूजा, तो कोई हंसेगा भी नहीं, सबके लिए नॉर्मल बात होगा, बात समझिएगा। लेकिन अगर यही मैं बोलूँ यहाँ जाके दिल्ली में और गुड़गांव में या कि पूरे भारत में अपने कहीं भी जाके कि माय नेम इज पूजा, तो सब हंसेंगे, सब बोलेंगे पागल हो गया, इसको जो है कोरोना जो है असर कर गया दिमाग पे, मतलब ऐसी वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, सो नेवर एवर ट्राई टू जस्टिफाई द जेंडर और क्लैरिफाई द जेंडर एज पर द नेम, मतलब नाम से कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सुनीता है तो सुनीता, अब ये जो बताया जाएगा सेंटेंस में उसके आधार पे हम जेंडर डिफाइन करेंगे। तो सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण, सुनीता इज, सुनीता क्या है भाई, डॉटर है, डॉटर मतलब सुनीता इज डॉटर मतलब सुनीता, डॉटर मतलब सुनीता का जेंडर डिफाइन करो। प्राइमरी वर्क अभी मैंने बताया आपको, हमेशा क्या करो जब भी फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे हो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी आपकी, जेंडर डिफिनेशन, दैट मीन्स कि तुरंत इसका जेंडर डिफाइन करो, सुनीता इज फीमेल। और ये डॉटर किसकी है भाई, करण की है, करण मतलब यहां पे करण। ठीक है, सबसे और नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, सुनीता यहां पे ये फीमेल है और यहां पे करण, करण को मैं डिनोट करूंगा, मेल को मैं डिनोट कर रहा हूं किससे भाई, तो बॉक्स से। अभी यहां पे जेंडर करण का डिफाइन नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। कनिका इज द मदर ऑफ करण, और कनिका जो है मदर है किसकी, करण की, करण की मदर, दैट मीन्स कौन है, कनिका है, तो कनिका हमने यहां ड्रॉ कर लिया। अब कनिका के बारे में क्लियर है, कनिका मदर है, तो हम यहां पे जेंडर क्या कर दिया, फीमेल ड्रॉ कर लिया हमने। करण का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, आप माइनस से डिनोट करना चाहते हो आप माइनस भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिता इज वाइफ ऑफ करण, और मिता जो है वाइफ है किसकी, करण की, ये वाइफ है, सॉरी क्या नाम है, मिता, ये मिता जो है वाइफ है, तो अगर मिता वाइफ है अब यहां से कंफर्म हो गया करण जो होगा वो मेल पर्सन होगा। ठीक है, करण जो होगा मेल पर्सन होगा। नाउ पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण, दैट मीन्स कि पूनम यहां लगा दो, पूनम को यहां पे, पूनम, और यहां पे क्या हो जाएगा, श्रुति, श्रुति। अब सवाल क्या पूछे, दोनों डॉटर्स दोनों फीमेल हो गए। नाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग, हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड रिलेशन चैप्टर जब भी सॉल्व करते हैं अपन, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उल्टा आंसर कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, जब पूछा जाएगा हाउ इज x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, ध्यान रखिएगा कि आपको x के बारे में सोचना है, x क्या कहलाएगा ये सोचना है, ध्यान समझिए। पहला एलिमेंट हमेशा ध्यान रखना, पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट क्या होगा ये ध्यान रखना हमेशा, पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। हाउ इज x रिलेटेड टू y, मैं x पे ध्यान रखना है। हाउ इज a रिलेटेड टू y, में a पे ध्यान रखना। हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका, में तो श्रुता, श्रुति क्या कहलाएगी, तो श्रुति यहां पे है, दो वर्टिकल, दो जनरेशन का गैप दिख रहा है, दैट मींस ग्रैंड में आंसर होगा नीचे, दैट मींस डॉट ग्रैंड डॉटर, यहां पे डॉटर में आंसर हो जाएगा, दैट मींस ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें सारे के सारे यहां पे जो नाम लिखे गए हैं, हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मिता, एंड आर ए पार्ट ऑफ फैमिली इन विच देर आर टू मैरिड कपल। कई बार क्या करेगा ये लोग, इंस्ट्रक्शन देते समय नंबर ऑफ पीपल वो लोग क्या करेगा, डिफाइन कर देगा कि नंबर ऑफ पीपल तो डिफाइन करता ही करता है, साथ में यहाँ पे बता देंगे कितने मैरिड कपल हैं। और ये जो मैरिड कपल वाली इन्फॉर्मेशन है, टू मैरिड कपल, इसको बहुत ध्यान से, इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं ये, इस आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जब हम पजल फॉर्म की बात कर रहे होते हैं। कह रहा है कि देर आर टू मैरिड कपल, इस बात का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। छह लोग बताया गया है, हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण और मिता, और ये सभी लोग क्या है, एक परिवार के सदस्य हैं और जिनमें कि दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्लू कह रहा है लता एंड मिता आर सिबलिंग्स। ठीक है, फटाफट सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कीजिए कि आप फटाफट फैमिली ट्री ड्रॉ करना शुरू कीजिए। माय नेम इज सौरभ सिंह। ठीक है, आपस में ये सब नहीं करने का, हाँ लड़ाई नहीं करने का आपस में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लता एंड मिता आर सिबलिंग्स, मतलब बोल रहा है कि लता और जो मिता है वो क्या है, सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मतलब क्या हो गया, बहुत सुकून से सुनोगे बात है, बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से। हाँ, लता एंड मिता आर सिबलिंग्स, मतलब लता और मिता जो है वो सिबलिंग्स है, मतलब क्या हो जाएगा कि भाई बहन है। अब भाई भाई भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई, सहोदर होता है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, सहोदर, मतलब कि ये भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। फिलहाल हमारे पास गिवन है लता एंड मिता आर सिबलिंग्स, तो हम बोलेंगे भाई लता और मिता को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दिया, वेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक जेंडर डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं कराएगा तब तक हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना, बोल रहा है श्री जो है ना वो सन इन लॉ है हिना की। ठीक है,
श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना, दैट मीन्स कब श्री और हिना की चर्चा नहीं हुई अभी हम सेंटेंस में बात देखें अगर यहाँ पे, तो लता और मिता इन दोनों की चर्चा हुई है, मतलब हमारे लिए अगला सेंटेंस वही होगा जिसमें लता और मिता की चर्चा हो रही होगी। ठीक है, हमारे पास फिलहाल इस पार्ट को हम छोड़ देंगे और आगे पढ़ेंगे। एंड हैज ओनली वन सन मिता, एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो एंड है ना, इस एंड की प्रॉपर्टी आई थिंक बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा और बहुत सारे बच्चे को नहीं भी मालूम होगा। तो एंड का जो प्रॉपर्टी होता है, एंड जो होता है हमेशा काम करता है कंजंक्शन की तरह, और ये हमारे सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पे काम करता है। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेंटेंस का, ये सेकंड एलिमेंट हो गया और ये थर्ड एलिमेंट हो गया। दैट मींस कि एंड विल ऑलवेज हेल्प टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस और हु विल ऑलवेज हेल्प टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो एंड यहां पे है किसके लिए काम करेगा, श्री के लिए। मतलब कि अगर इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना एंड श्री हैज ओनली वन सन मिता, मतलब कि यहां पे एंड के बाद यहां क्या छुपा रहेगा, श्री। दैट मींस अगर यहां लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, श्री। That means ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये एंड के बाद आके लग जाएगा, मतलब श्री हैज ओनली वन सन मिता, मतलब कि श्री का सिर्फ एक ही पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, उसका नाम क्या है, मिता है। और ये किसका पुत्र है, मिता, तो दैट मींस कि श्री का पुत्र है। और इसमें पहले बताया गया कि लता और मिता सिबलिंग्स हैं और ये मिता जो है वो इकलौता पुत्र है श्री का, दैट मींस लता क्या हो गई, डॉटर हो गई। बहुत ध्यान सुनना बातों को, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे लता और मिता का दोनों का ही जेंडर डिफाइन हो चुका है। श्री के बारे में बात करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट को छोड़ के सेकंड पार्ट को पढ़ा था, उससे हमने यहाँ पे लता और मिता का जेंडर डिफाइन कर दिया और श्री भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई श्री की भी। अब कह रहा है श्री द सन इन लॉ ऑफ हिना, श्री जो है ना वो सन इन लॉ है, मतलब कि दामाद है वो। श्री क्या है, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब जेंडर इसका मेल हो गया। जैसे ही श्री मेल हुआ और इसका इसका बताया गया कि श्री जो है वो सन इन लॉ है किसका, हिना का, तो श्री को किसी का भी सन इन लॉ होने के लिए न्यूनतम इसको एक शादी करना पड़ेगा। तो इसने शादी कर ली, बात समझ रहे, इसने शादी करी। और यहाँ पे जब इस जैसे इसने शादी करी है तो इसके जो अभी जिसे शादी किया है उसके जो पेरेंट्स हैं उसका नाम क्या है, हिना है। इसका नाम हिना है, सॉरी जेंडर डिफाइन नहीं होगा अभी, यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे हिना। ठीक है, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं करना है। श्री देखो, श्री यहाँ पे कौन है, मेल हो गया, तो आप मिता यहाँ पे फीमेल हो गई, मेल हो गया, और लता यहाँ पे फीमेल है। तो इस जेंडर कभी भी नाम से डिफाइन मत करना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस पार्टिकुलर फर्स्ट सेकंड सेंटेंस हैज बीन डन। नाउ सेकंड कह रहा है कि शक्ति इज द वनली चाइल्ड ऑफ किरण, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे, एक दो तीन चार एलिमेंट मौजूद है प्लॉट पे। इन चारों में से किसी भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ सेंटेंस अगर आगे मिलता है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगला पढ़ा जाए शक्ति इज द वनली चाइल्ड ऑफ किरण, यहाँ पे शक्ति की बात की गई है, किरण की बात की गई है, ना ही शक्ति हमारे प्लॉट पे है ना ही किरण हमारे प्लॉट पे, आगे बढ़ जाएंगे। हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता, नाउ हु ऑलवेज हेल्प और वर्क फॉर द सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेकंड एलिमेंट कौन है यहाँ पे, किरण है, या फिर कह सकते हैं हु के जस्ट पहले जो वर्ड होगा उससे उसको रिलेट करेंगे। ये हमेशा काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, दैट मींस कि किरण हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। ठीक है, किरण हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता, मतलब किरण कौन है, ग्रैंड फादर है किसके, लता के। लता ग्रैंड फादर मतलब दो वर्टिकल ऊपर होना चाहिए, दो जनरेशन ऊपर होना चाहिए, दो वर्टिकल ऊपर होना चाहिए, और दो ही मैरिड कपल है। दैट मींस अब यहाँ पे जो किरण है उसको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, बिकॉज किरण हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता, दैट मीन्स किरण को इसी जनरेशन मिलाना पड़ेगा और इसके ही हस्बैंड मिलाना पड़ेगा। किरण इज द ग्रैंड फादर है, दैट मीन्स किरण एक मेल पर्सन है और हिना कौन है, एक फीमेल पर्सन है। यहाँ से क्लियर हो गया। नाउ अल्टीमेटली जो शक्ति है उसके बारे में लिखेंगे हम लोग, शक्ति इज द वनली चाइल्ड ऑफ किरण, और ये किरण की इकलौती संतान कौन है, शक्ति है। तो शक्ति विल बी हियर नाउ। सो नाउ दिस इज द वेन डायग्राम, सॉरी दिस इज द पिक्चर, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकुलर गिवन पैसेज। ये जो पैसेज गिवन है इसका ये आपका डायग्राम हो गया, फैमिली ट्री हो गया। नाउ दिस इज द फैमिली ट्री जिसके आधार पे हमारा गिवन क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं इतना आराम से क्यों समझाया इस सवाल को, क्योंकि आने वाले जो सवाल है उसमें और भी मजा आने वाला आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो नाउ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता, शक्ति कौन होगा भाई, तो मदर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मदर, फादर नहीं, फादर बिल्कुल नहीं। यही पे बच्चा जो है गलती कर सकता है, शक्ति है भाई तो शक्ति हो जाएगा, मैं फादर हो जाएगा तुक्का लगाने के चक्कर में, तो वो हो जाएगा। आंसर विल बी शक्ति विल बी मदर। तो यहां पे वही मैं इस सवाल से मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपके लिए कि भाई हमेशा ध्यान रखना कि जेंडर जो होगा ना कभी भी नाम से क्लियर मत करना। इस सवाल का असली मकसद यही था, हिना शक्ति श्री लता किरण मिथा सारे के सारे नाम जो थे वो कहीं ना कहीं फीमेल नाम थे, राइट। लेकिन हमने यहां पे क्या जाहिर किया कि भाई नाम से बिल्कुल मत समझना कि जेंडर क्या होगा किसी का भी। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, जिन्होंने भी मैटरनल ग्रैंडफादर कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास, भाई साहब थोड़ा ध्यान से सवाल को सॉल्व कीजिएगा फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाउ इज लता इज फीमेल, विनोद कुमार इज आस्किंग सर हाउ लता इज फीमेल। इस सेंटेंस को मैंने यही क्लियर कर दिया था सेकंड लाइन में, लता एंड मिता सिबलिंग्स, तो भाई लता और मिता का उस वक्त जेंडर डिफाइन नहीं किया हमने। यहाँ पे आगे लिखा गया है श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हिना, इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब लिखा गया एंड हैज ओनली वन सन, वनली
ये जो वनली वर्ड है ना, पूरे ब्लड रिलेशन चैप्टर में ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन चैप्टर में वनली वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, वनली वर्ड का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी ये चैप्टर आएगा उसमें वनली वर्ड का इस्तेमाल हुआ, मतलब आपको अलर्ट हो जाना कि ये वर्ड हमेशा आपके लिए बहुत ज्यादा घातक होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वनली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उसने जब बोल दिया, खुल के बोल दिया कि श्री का सिर्फ एक ही बेटा है मिता, तो मिता जब एक ही बेटा, बेटा जब एक ही है तो भाई जाहिर सी बात है लता उसकी बेटी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जबरदस्त सवाल है, मैं देखता हूं कितने लोग इस सवाल का करेक्ट आंसर देते हैं। बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, एंड आई एम वेटिंग फॉर द पीपल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। और पिछले सवाल में अगर किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ हुई होगी तो प्लीज एक बार जाके वापस सुन लीजिएगा बातों को, बिकॉज तीन ही सेंटेंस थे पूरे सवाल में, तीन सेंटेंस में मैं सिर्फ आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। पहली बात ये कि भाई सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया मैंने वहां से वो एंड के बारे में डिस्कस किया, एंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, और तीसरा बात कर रहा था मैं हु के बारे में, तीसरा सेंटेंस जो था वो हु कैरी कर रहा था। सो ये तीनों ही सेंटेंस जो है बहुत ही जानबूझ के प्रेस किए गए ताकि आपके पहला दूसरे सवाल के तहत, शुरुआती सवाल के तहत आपने हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सिलॉगिज्म में भी वनली बहुत घातक होता है, वो वनली इस तरह के वर्ड जो है हर जगह घातक होते हैं, पूरी लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको वनली मिलेगा और वहां पे भी घातक होते हैं ये वर्ड वनली। सो कुल मिला के मैं यही बोलूंगा कि मैं यही बोलूंगा, सर यू आर वेरी खतरनाक। अच्छा, मैं बहुत खतरनाक हूँ ऐसा है क्या? ठीक है, हाँ तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है ना तो खतरनाक हो सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया सवाल है, लेकिन आंसर जो मिल रहा है मुझे वो गलत मिल रहा है। ब्रदर इन लॉ बोल रहे हैं सनी शर्मा और वो आंसर करेक्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कह रही हैं विजया लक्ष्मी साहू, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट की यहां से परख हो जाए कि आप कॉन्सेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो, मतलब सिंपल सी बात है। पहला क्लास है ब्लड रिलेशन का, सो ध्यान रखिएगा इस बात का, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं हम लोग। जो बच्चे इस सेशन को ऑफलाइन देख रहे हैं उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सवाल कीजिएगा, और पहला क्लास है तो बहुत सुकून से समझिए बातों को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मैं आगे के लिए, आगे आने वाले सेशन के लिए कहीं ना कहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, माहौल तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले सेशन में समझ रहे हैं आप, अगर आपने मेरे पिछले सेशन किए हैं तो आपको मालूम होगा कि शुरुआती दिन में सवाल कैसा रखता हूँ और आने वाले दिनों में सवाल का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो बिल्कुल इंतजार कीजिए, लगे रहिए, बने रहिए और बेसिक क्लास को बिल्कुल ध्यान से कीजिए। सवाल बहुत बेहतरीन है, सवाल बहुत स्मार्ट है। क्या कह रहा है कि अ मैन एंड अ वुमन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेबल। पहला लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस भौकाल टाइट किया गया है, मतलब माहौल बनाया गया है, सिर्फ कहा गया कि एक एक पुरुष और एक महिला एक टेबल के आमने सामने बैठे हुए हैं, झूठ का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, और आगे कह रहा है मदर इन लॉ ऑफ द मैन एंड द मदर इन लॉ ऑफ द वुमन इज मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए, आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ग्रामेटिकल थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे आर होना चाहिए। मदर इन लॉ ऑफ द मैन, दैट मीन्स सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, और क्या ड्रॉ करेंगे हम, मैन की मदर इन लॉ, दैट मीन्स कि मान लो ये मैन है, ये मैन है, मदर इन लॉ ऑफ द मैन दैट मीन्स कि द मदर ऑफ हर वाइफ, हिज वाइफ, राइट, मदर ऑफ हिज वाइफ, दैट मीन्स कि ये है इसकी वाइफ, इसकी वाइफ की मदर जो होंगी वो इसकी मदर इन लॉ, ये हो गई मदर, इसके हिसाब से कौन हो गई, ये मदर इन लॉ हो गई, मदर इन लॉ हो गई, हमने ड्रॉ कर दिया चुपचाप आराम से। सवाल को जितना प्यार से हम, जितना हो ना, जितना प्यार से हम एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आराम से बनेगा सवाल। टुकड़ों में बांट दो सवाल को, मदर इन लॉ ऑफ द मैन हमने ड्रॉ कर दिया, चुपचाप बैठ गए, आगे बढ़ गए, बोला ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, मदर इन लॉ ऑफ द वुमन, आगे बढ़ो, मदर इन लॉ ऑफ द वुमन, अब पहले मदर इन लॉ ऑफ द वुमन ड्रॉ करेंगे, ये वुमन हो गई, इसकी मदर इन लॉ दैट मीन्स के हस्बैंड की जो मदर होगी, दैट मीन्स के हस्बैंड ये रहे, इसकी जो मदर होगी ना वो इसके हिसाब से कौन हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, मदर इन लॉ हो गई, बस इतना ड्रॉ करके बैठ गया भाई। अब चुपचाप ध्यान सुनिए क्या बोल रहा है, अब कह रहा है दे आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, एंड द वर्ड रेस्पेक्टिवली व्हेन इट कम्स ना यू शुड बी वेरी मच अलर्ट, मतलब यू शुड बी अलर्ट टू रीड द सेंटेंस अगेन एंड टू रिलेट द एलिमेंट्स, लाइक रेस्पेक्टिवली बोला गया है, दैट मीन्स ये मदर, पहला जो मदर है ना वो पहले पार्ट के लिया जाए, मदर इन लॉ ऑफ द मैन, दैट मीन्स मदर इन लॉ ऑफ द मैन होगी ना, ये जो होगी ये मदर हो जाएगी, ये मदर होगी किसकी भाई, तो इसकी, मतलब ये डॉटर हो जाएगी, मदर और ये डॉटर रेस्पेक्टिवली, मतलब कि मदर इन लॉ ऑफ द, मदर इन लॉ ऑफ द मैन जो जो पुरुष का जो की जो सास होगी और जो महिला की सास होगी वापस से माँ एवं बेटी है, लेकिन जो मैन की मदर इन लॉ है वो माँ होगी और जो महिला की जो मदर इन लॉ है वो उसकी बेटी हो जाएगी। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट एक और बोला गया में कि मदर इन लॉ ऑफ द मैन हैज ओनली वन चाइल्ड, जो इसकी मदर इन लॉ है जो मैन की, इसकी सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एक ही संतान है, मतलब कि ऑफकोर्स फिलहाल अगर देखा है तो मैन की जो वाइफ है वो कौन है, इस मदर, ये इसको, इसी को बोला गया ना कि मदर हो जाएगी,
इसी को बोला गया ना मदर हो जाएगी, ये मदर है, ये खुद ही मदर है, मतलब मदर इन लॉ द मैन इज नथिंग बट द मदर। तो दैट मीन्स कि इस पूरे सेटअप को उठा के हम यहाँ लेके आ जाएंगे, इस पूरे सेटअप को, यही डॉटर है ना, ये मदर है और ये डॉटर है। दैट मीन्स अगर ये मदर है और ये डॉटर है और यहाँ पे दिख रहा है कि ये मदर है ये डॉटर है, तो दैट मीन्स कि ये पूरा सेट, ये सेट जो है ना ये उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, हम देखिएगा पूरे सेट को उठा के ला रहे हैं यहाँ पे, ये वमन हो गई, ये हस्बैंड, और इसके हिसाब से ये मदर इन लॉ, और इसके लिए क्या हो जाएगी, ये डॉटर। ठीक है, ये मदर, ये डॉटर है ना, और इसके हिसाब से मदर इन लॉ, ये आपका वाई वोमेन थी, ये वोमेन थी, ये मैन था। अब पूछा क्या गया सवाल में आपको, सवाल में पूछा गया कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वमेन, मैन पूछा गया, ये मैन कैसे रिलेटेड है वमेन से। तो भाई वमेन के हस्बैंड के फादर है वो, दैट मीन्स कौन हो जाएंगे, फादर इन लॉ, वमेन के हस्बैंड के फादर, दैट मीन्स फादर इन लॉ। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, फादर इन लॉ। आई होप आइडिया इज क्लियर। सो बहुत बेहतरीन सवाल था, मतलब कि स्मार्ट क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा हाँ बिल्कुल स्मार्ट सवाल था, मतलब सवाल मजाक वाला नहीं था, सवाल थोड़ा अच्छा था, मतलब कि प्रॉपरली अगर सवाल को आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, सवाल को टुकड़ों में बांटोगे, तो सवाल अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, मतलब सवाल को हल्के में नहीं ले सकते आप। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पे है। थैंक यू सर, आपसे नया सीखने को मिला है, आप मेरे बैच में रेगुलर रहिए, आपको डेली नया सीखने को मिलेगा, बाकी बच्चे जो रेगुलर हैं उनको पता है कि कितना नया किया जा रहा है इस बैच में। ठीक है, बिल्कुल नया नया चीज़ ही मिलेगा यार, अगर नया कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं किस बात का टीचर हूँ, वही घिसा बेटा बात थोड़ी करता रहूँगा, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ना करने को। नहीं नहीं रिपीट नहीं करूंगा उस सवाल को, मैंने पहले बोल दे रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा सवाल, क्योंकि बढ़िया सवाल है, मैं बार बार यही बोलूंगा कि एकदम सब सेशन खत्म हो जाए तो एक बार पढ़ लेना, मतलब ध्यान से उस टाइम को नोट कर लो किस टाइम में वो सवाल डिस्कस हुआ, उस टाइम पे जाओ और सवाल को वापस सुन लो कैसे किया गया। ठीक है, मैं खुद ही जब सवाल मैं प्लेस कर रहा होता हूँ तभी मुझे पता होता है कि ये सवाल कैसा है वो सवाल कैसा है। ऋतुपर्णा कह रही है सर हाउ कैन आई ज्वाइन अड्डा 247, कुछ नहीं करना आपको, अड्डा 247.com पे जाना है और वहाँ पे आपको जो भी बैचेस लेनी है आप बैच में जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन, और अगला सवाल कह रहा है इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर नेसेसरी। मतलब सवाल को प्रेजेंटेशन देखो आप, डिफरेंट वे में है, दो यहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया, कह सकते हैं आप डेटा सफिशियंसी के वे में प्रेजेंटेशन सवाल का है, मतलब प्रेजेंट नहीं किया गया वैसे, लेकिन कोर आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज टू चेक द डेटा, हाउ मेनी डेटा, वन और टू, दैट मीन्स कि हाउ मेनी डेटा आउट ऑफ दिस टू आर सफिशियंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन विच इज रिटन एवर, बट द एवर इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली हाफ ऑफ द फुल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि हाफ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, हाफ है, कुछ और भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी तब जाके हम आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, जैसे ये इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स कि डी एंड बी विल बी कनेक्टेड। अब यहाँ पे डी का जेनर डिफाइन होगा, डी ब्रदर है, दैट मीन्स बी का जेनर डिफाइन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब बी और सी कैसे संबंधित होंगे, इतना देने के बाद, इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूछ दिया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब हम कैसे आंसर दे सकते हैं भाई, कुछ लोग तो सवाल पढ़ के यहीं परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम अगर आगे की इन्फॉर्मेशन को पढ़ें तो यहाँ पे दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके आधार पर हम देखते हैं कि इस जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसमें अगर हम इन दोनों में से कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो हमारा ये जो गिवन क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी इसको पूरा कर सकते हैं। तो पहला जोड़ते हैं, द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी, द सन ऑफ डी, दैट मीन्स द सन है डी का, जो भी सन है डी का, जो भी होगा वो कौन है, ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है, सी का ग्रैंडसन है। तो भाई मतलब कि जाहिर सी बात है इसके जो फादर या मदर होंगे वो सी होंगे, राइट, ग्रैंडसन ऑफ सी, दैट मीन्स दिस पर्सन इज अ मेल पर्सन, ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो उससे मतलब ही नहीं है हमें अभी फिलहाल, लेकिन मतलब ये है कि पूछा कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी का जेंडर तो डिफाइन होना चाहिए ना भाई, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए, दैट मीन्स कि बी का जेंडर डिफाइन होना चाहिए, और पहला स्टेटमेंट जो अकेला है ये हमारे जेंडर डिफाइन नहीं कर पा रहा है, किसका भाई, तो बी का। सेकंड पढ़ते हैं, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, अब बोला गया कि बी जो है ना वो सिस्टर है डी की, ठीक है, तो सिर्फ अगर मान लो आप कहोगे सर जेंडर टू डिफाइन सेकंड वाला कर रहा है तो हम सिर्फ सेकंड का आंसर कर लेते हैं, सिर्फ सेकंड बोलते हैं, ओनली सेकंड इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, लेकिन जब हमारे पास जब सिर्फ सेकंड का इस्तेमाल करेंगे तो सी तो प्लॉट पे आएगा ही नहीं, तो सी को ही प्लॉट पे लेके आना है, इसलिए हम पहले का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट मीन्स दोनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट मीन्स आंसर इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायर्ड। आई होप आइडियाज क्लियर नाउ, आई होप आइडियाज क्लियर नाउ। सो दिस इज हाउ वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, राइट, मतलब कि
ठीक है, चाहे सवाल कैसे भी हो, हमें सी को प्लॉट में लाने था, बिकॉज पूछा गया था बी और सी का रिश्ता, तो भाई सी को प्लॉट में लाने के लिए हमने पहले का इस्तेमाल किया और उसमें बी का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ, जबकि पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, मैंने हमेशा कहा है पहले एलिमेंट के हिसाब से आंसर करना है, पहले एलिमेंट का जेंडर डिफाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले एलिमेंट का जेंडर डिफाइन करने के लिए हमें बी का जेंडर डिफाइन होना चाहिए था, और वहाँ पर सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है वो बी का जेंडर डिफाइन कर रहा था, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया है सेकंड वाले को भी, दैट मीन्स बोथ आर रिक्वायर्ड। मूव करते हैं सवाल पर, अगला सवाल और भी लाजवाब है, मतलब आपके लिए आप जितना सोचोगे उतना कम, मतलब बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, मतलब लाजवाब सवाल है ये। सो द थिंग इज कि अगर जो बच्चे अभी क्लास में अभी जो देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक सेशन को लाइक या नहीं किया है तो ये गलत बात है यार, मतलब कि दिस इज द डे वन ऑफ ब्लड रिलेशन, और आज ही आप माहौल देख लो सेशन का कैसे जा रहा है, तो फटाफट जिन बच्चों ने जिन पापियों ने लाइक नहीं किया है उसको फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए कि क्या हो रहा है इधर इधर, ये बात वो घिसी पिटी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी बातें बहुत डिफरेंट वे में सवाल को जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। सो डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ऑफकोर्स ये मैं नहीं बोलता हूँ ज़्यादातर, लेकिन प्लीज़ कर दिया करो यार, है ना, ये बिकॉज द ओनली मोटिवेशन ऑन दिस यूट्यूब इज द फिगर्स द नंबर्स, यहाँ पे कितने लोग मुझे देख रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऋतुपर्णा मैंने आपके सवाल का आंसर दे दिया है, यू नीड टू गो फॉर इतना डिफिकल्ट, नहीं नहीं डिफिकल्ट नहीं है, ये सवाल का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास सवाल है, और ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं, तो बेहतरीन सवाल, सोचिए कि अचानक से सवाल कैसे कैसे रूप धारण कर सकते हैं, मतलब उस वक्त आपको डर लग सकता है कि यार हो क्या रहा है, मतलब सवाल आखिर क्या था ये, मतलब दिस इज नॉट फेयर सवाल का, अब बच्चे पता अगर नहीं ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इस सवाल गड़बड़ हो जाएगा, एक बार सवाल को सॉल्व कीजिए ध्यान से क्या कह रहा है, ठीक है, नहीं नहीं ये तो करना चाहिए यार, लाइक वाइक देखो किसी ने कहा सर 200 बच्चे ने लाइक नहीं किया, अरे लाइक कर दो यार, तुम्हारी फीस यहाँ पे यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, सो मेनी भी आंसर्स आई एम गेटिंग हियर, पीपल आर आंसरिंग एज ई, मोस्ट ऑफ द पीपल कह रहे हैं सर आंसर जो होगा ई होगा, अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है, और मुझे मालूम है कि आपने क्यों यहां पे ई आंसर किया, मुझे मालूम है बिकॉज आपने इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ा है, इसको पढ़िए अब ध्यान से, इसको पढ़िए अब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है सवाल में, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड ई एज द करेक्ट आंसर बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ई जो है सही आंसर नहीं है, ध्यान रखिए ई इज नॉट द करेक्ट आंसर, आप में से बहुतों ने मतलब मैक्सिमम बच्चे ने ई ही सबने कहीं ना कहीं ई आंसर दिया, मैक्सिमम नहीं सबने, एवरी वन हैज सेड कि सर ई इज द करेक्ट आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ, Read the question given question and decide which of the following option is additionally required to answer the question. Additionally required. You know, you need to find out the options. हमें इन options को check करना है और देखना है कि यार इनमें से कौन से information additionally required हैं. कहीं ना कहीं जो पिछला सवाल हमने दिखाया था ये सवाल आपके इस तरह के सवालों के लिए माहौल बना रहा था, आपने शायद समझा नहीं. जो बच्चे मुझे अभी तक नहीं समझे समझ लो भाई. Do not take me in हल्के में, है ना, do not take me in हल्के में. अगर आप मुझे हल्के में ले रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि सवाल का प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग हो गया है. अब आपके जैसे मैंने आपको होश दिलाया कि भाई साहब सवाल में कुछ और ही बात पूछा जा रहा है, तो अब देखो आंसर चेंज हो गया है. अब कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आइए चेकते हैं सवाल में क्या कहना है. हमें देखना है कि सवाल पूछा क्या गया. सवाल क्वेश्चन असली में यहां पे है. दिस इज योर क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू सी एंड डी हैव, ये सवाल है असली में. आइए देखते हैं. ए एंड बी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सी एंड डी, मतलब कि सी यहां ड्रॉ किया हमने, सी और डी आपस में हस्बैंड वाइफ हैं और उनके चिल्ड्रन का नाम है ए और बी. ना ही ए का जेंडर डिफाइन है ना ही बी का जेंडर डिफाइन है. जो बच्चे इसे बहुत अभी लाइव देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं बहुत ध्यान सुनना इस बात को. बेहतरीन सवाल है, मतलब आपके वो जो चीजें जो रटी रटाई बातें आपने आज तक पढ़ी है ना उससे अलग बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, देखते हैं आगे. ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी. ए इज द बॉय, ए इज अ बॉय, ये दिया हुआ है सवाल में. ए जो है एक लड़का है, ठीक है भाई, एक लड़का है. एंड हैज टू सिस्टर्स, और उनकी दो बहनें हैं. तो मान लेते हैं कि भाई इनकी दो बहनें हैं, तो यहाँ पे दो सिस्टर्स हो गई. एंड 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 है थ्री ब्रदर्स, और उनके तीन भाई हैं. तो बोल रहे हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू सी एंड डी हैव. तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो पांच होंगे, सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल आंसर है सर, पांच होंगे. पांच तो हम कर ही देंगे आंसर, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है इसके तीन सिस्टर्स हैं, दो सिस्टर्स हैं, तीन भाई हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ बढ़ जाएंगे तीन भाई, सुबह भी कोई भाई बना देंगे. लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी यार, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी. एक पॉसिबिलिटी ये,
द फर्स्ट पॉसिबिलिटी सेज दैट कि सी एंड डी हस्बैंड वाइफ, ए उनका बेटा है, ठीक है अच्छी बात है, और ए की दो बहनें हैं तो बी भी बहन होगा, इसकी एक और बहन होगी, बात खत्म इसके, और इसके एंड बी हैज थ्री ब्रदर्स दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर दिस, एक और भाई है, तीन भाई है, तो यहाँ इस हिसाब से देखा है तो यहाँ पे छः बन रहे हैं, छः चिल्ड्रन हो रहे हैं, तो भाई हाउ मेनी चिल्ड्रन सी डू हैव, सी एंड डी डू हैव, तो हम बोल सकते हैं सिक्स यहाँ पे, लेकिन अगर सेकंड प्रेजेंटेशन की बात करें, ये सेकंड वाला कंडीशन देखते हैं, यहाँ ड्रॉ करते हैं, सी और डी आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, नाउ दे हैव सेड कि भाई ए जो है ना उनका बेटा है, यहाँ तक बर्दाश्त कर लिया बात को हमने, लेकिन जैसे ही हमने ये कहा कि भाई अब बी को इस बार हमने मेल मान लिया, मान लो बी को हमने क्या मान लिया, मेल मान लिया, बहुत ध्यान सुनना इस सवाल को, कोई नहीं कराया होगा पूरे यूट्यूब पे ये सवाल, इस तरह का सवाल आपने देखा ही नहीं होगा आज तक, और ये सवाल एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान रखिएगा, किस एग्जाम का ये बाद में बताऊंगा मैं आपको, आज नहीं बताऊंगा कल बताऊंगा, जानबूझ के नहीं बताऊंगा आज, ठीक है। ए अब यहाँ पे इस बार क्या कर लिया हमने, बी को मान लिया आपको, यहाँ पे मैंने बी को मान लिया मैंने मेल पर्सन, इस बार फीमेल माना था, यहाँ मेल मान लिया, और कहा गया कि ए के ना ए के तीन भाई हैं, तो हमने यहाँ पे एक और मेल बना दिया, एक और मेल बना दिया, ठीक है दो बहनें हैं, ठीक है तीन भाई हैं और दो बहनें हैं, तो दो बहनें हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो दो ही भाई हैं, सॉरी ए के दो भाई हैं, तो यहाँ पे दो भाई हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, दैट मीन्स इन दिस कंडीशन ए के दो भाई हैं और ए के तीन बहनें हैं, ठीक है ना, तीन बहनें ना, तो थ्री ब्रदर्स, बी हैज थ्री ब्रदर्स, ओके ठीक है, सो दिस टाइम वी हैव टू कंडीशन, दैट मीन्स कि वी हैव नहीं ए के थ्री ही ब्रदर है ना, क्या बोला गया, अच्छा बी हैज थ्री, सॉरी 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 सॉरी, आई हैव रेड द क्वेश्चन रॉन्ग हियर, ओके ओके वेट 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 वन सेक, मैंने ए पढ़ लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, दैट्स व्हाई मैं कहा कि सेम आंसर कैसे आ रहा है दोनों जगह पे, चलो ठीक है, बी के बोला गया, बी के यहाँ बोला गया बी के तीन भाई हैं, तो ऑफकोर्स ए हो गया, ये हो गया, ये हो गया तीन भाई, पांच यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन जैसे ही हमने बी को मान लो, यहाँ पे बी को मान लिया हमने मेल पर्सन, बी को हमने मेल बना लिया, यहाँ बी फीमेल है और ए की दो बहन है, तो दोनों बहन बना दिया हमने यहाँ पे, नाउ बोला गया कि भाई ए हैज टू बॉय, ए हैज टू बॉय एंड टू सिस्टर्स एंड हैज टू सिस्टर्स, ठीक है ए इज अ बॉय एंड हैज टू सिस्टर्स, ए की दो बहनें, दैट मीन दो बहनें ड्रॉ कर लिया, और इस बार बी को हमने मान लिया है मेल पर्सन, अगर हमने बी को मेल पर्सन माना है तो हमने क्या करेंगे, दो भाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी हैज थ्री ब्रदर्स, दैट मीन हमें इसको इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए, छह बच्चे हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, पांच हो गए, नाउ हम यहाँ पे इसका आंसर देने के लिए, इसका आंसर देने के लिए करना क्या होगा, पूछा गया सी एंड डी के कितने बच्चे होंगे, तो हम कैसे कंफर्म होंगे, अब यहां पे आ रहा है पांच, अगर हम बी का जेंडर अब मिनिमम वाला ही हमेशा आंसर करेंगे, हम इसमें जो मिनिमम कंडीशन होगा उसको हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा मिनिमम वाला आंसर करेंगे, दैट मींस जहां पे बी का जेंडर डिफाइन हो रहा होगा फीमेल उसको हम आंसर कर लेंगे, बोला गया ई इज द सिस्टर ऑफ ए, इसका कोई मतलब नहीं यहां पे बनता है, बी इज द सिस्टर ऑफ ई, बी जो है वो सिस्टर है ई की, ठीक है भाई, हु इज द डॉटर ऑफ सी, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बी जो है वो सिस्टर है ई की, ई कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ई है वो कौन है, डॉटर है सी की, चलिए भाई ई मान लेते हैं यहाँ पे, ई अगर डॉटर है सी की और बी जो है उसकी बहन है, तो ऑफकोर्स बी का जेंडर डिफाइन हो गया, तो हम यहाँ से आंसर कर सकते हैं, मूव करते हैं, एफ एंड जी आर ब्रदर ऑफ ए, एफ और जी जो है ए के ब्रदर है, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, उससे बी का जेंडर डिफाइन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, नाउ हमारा बी आंसर करेक्ट हो सकता है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, इससे कोई मतलब नहीं बनता, नन ऑफ दिस हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कहने का मतलब ये है, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल डाउटफुल नहीं, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं रिपीट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन सवाल था, ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी, हमने सी और डी यहां ड्रॉ किया, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, ठीक है ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी, बहुत छोटा सवाल है, सी और डी के बच्चे हैं कौन, ए और बी, हमने ए और बी ड्रॉ कर दिया, लेकिन ए का जेंडर डिफाइन नहीं था अभी, तब तक आगे बोलता है कि ए इज अ बॉय, एक लड़का है एंड हैज टू सिस्टर्स, हमने दो बहनें बना दिया, वेर एज बी हैज थ्री ब्रदर्स, और बी की बी के तीन भाई हैं, तो अगर बी को मान लो हमने फीमेल ड्रॉ कर लिया, तो एक मेल पर्सन, एक तो भाई ए हो गया और दो भाई और बना दिया हमने, और अब दो बहनें थी तो यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, हमने ऐसे पांच बच्चे पाए, मतलब सी और डी के फाइव यहाँ पे बच्चे मिल गए हमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिए सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड को ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि हम सी और डी को यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ड्रॉ करने के बाद, ए को मेल दिखाने के बाद, हम बी को अगर मेल बना लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि बी कौन है, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो बोला गया ए इज अ बॉय एंड हैज टू सिस्टर, तो ए अगर बॉय है उनकी दो बहनें हैं, तो हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया दो बहनें यहां पे, अब कह रहा है वेयर एज बी हैज थ्री ब्रदर्स, और मान लो हमने बी को इस बार मेल मान लिया, तो बी को अगर मेल मान लिया है और इसके तीन भाई हैं, तो एक भाई, तो भाई एक खुद ही है,
ये बगल वाला जो ए है वो है, और बाकी हमें दो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ जो मेल पर्सन जो सन हो गए सी और डी के सन हो गए वो चार हो गए, और डॉटर कितने हो गए दो हो गए, तो चार तो छः हो गए, तो टोटल बच्चे कितने हो गए छः हो गए। और इस कंडीशन के हिसाब से कंडीशन वन जो हमने अप्लाई किया यहाँ पे, जहाँ पे हमने बी को फीमेल माना है वहाँ पे पाँच हो गए। दैट मेक सेंस कि हमें क्या करना होगा, हमेशा मिनिमम वाला आंसर करते हैं, दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे कि बी की जेंडर डिफाइन हो रही है। क्योंकि ए एंड बी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सी एंड डी, ठीक है, ए और बी जो है वो बच्चे हैं सी और डी के, तो यहां पे सी का अकेला बच्चा तो हो नहीं सकता यार, किसी का भी अकेला बच्चा थोड़ी हो सकता है, बच्चे होने के लिए न्यूनतम दो आदमी तो चाहिए ना, दो लोग तो चाहिए ना भाई, तो सी और डी चाहिए यहां पे। बात समझिए ध्यान से, ऐसे कुदरत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, ठीक है। चलो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड, इस सवाल को जवाब देने के लिए हमें किस कौन कौन से कौन किस इन्फॉर्मेशन को हम परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, बिकॉज अगर सिर्फ हम इसको सिर्फ हम ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन ना पढ़ें, हम नीचे ऑप्शन को ना देंगे, सिर्फ इसको अगर ड्रॉ इसको सिर्फ पढ़ेंगे अगर हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कह सकते हैं, हम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉ करेंगे ये वाला, कुछ बच्चे ड्रॉ करेंगे ये वाला, लेकिन मसला ये है, हाँ लेकिन मसला ये है कि मिनिमम वाला आंसर करते हैं हमेशा, तो आंसर विल बी फाइव चिल्ड्रन, लेकिन फाइव चिल्ड्रन तब आएगा जब हम लोग यहाँ पे बी को फीमेल कंसिडर करेंगे, बीमेल को बी को फीमेल कंसिडर करवाने वाला ऑप्शन चूज करना है हमें यहाँ पे, बात खत्म है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, एक सवाल और आपको दे रहा हूं, ये सवाल होमवर्क के तौर पे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पे, जल्दी से सवाल को क्लिक कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल को, होमवर्क के तौर पे लीजिए, और इस सवाल को जरूर ऑप्शन बॉक्स में मार्क कीजिए, आप बताइए कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क के तौर पर इसके बाद, ठीक है, एटलीस्ट दो क्वेश्चन होमवर्क में देता है आज आपको। सो इन दोनों ही सवाल के करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बॉक्स में पुट करने हैं, चाहे आप सवाल इस सेशन को ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन देख रहे हैं, दोनों ही तरह के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इन दोनों सवालों को, जो सवाल मैं आपको दिया हूं फिलहाल, और आपके बाद ये सवाल जो है, ये भी सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, टॉप क्लास क्वेश्चन है, ये दोनों ही सवाल एक से एक, मतलब ये सवाल बिल्कुल देखा गया है एग्जामिनेशन में और आगे भी देखा जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस सवाल का, बहुत बेहतरीन सवाल है, दोनों के दोनों सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। इसका इस सवाल का तो आइडिया मिल गया, जो सवाल नंबर आपका आज छठा है, इस सवाल का आपको आइडिया मिल चुका है कि ये सवाल कैसा है, आपने क्वेश्चन नंबर फाइव और फोर में देख चुके हैं प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर सेवन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, इसका ख्याल रखिएगा प्लीज, बढ़िया सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं हम लोग ठीक कल 11 बजे, और इससे आगे बात करेंगे, बेहतरीन सवालों के साथ मिलेंगे और जबरदस्त फायरिंग करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आपको क्या करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो उनका भी हक बनता है और उनका भी कर्तव्य बनता है कि जिनको शेयर वेयर जरूर करते रहें, लाइक जिन्होंने नहीं किया है ये पाप बिल्कुल ना करें, फ्री में कोई ज्ञान मत लीजिए, अनपच हो जाएगा तो बताइएगा फिर गुरुजी ने ऐसा कह दिया था, तो कुछ नहीं करना है, लाइक ठोकते हुए निकल जाना है क्लास से, और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया उनको कुछ नहीं करना है, बस अपने कमेंट्स तैयार रखने हैं सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे हमारे पास, हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे भी नए हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हमारे हैं जहाँ पे, और आपको हम लोग और भी मदद करते हैं, टीचर्स है, एसएससी अड्डा है, और बैंकर्स तो आप देख ही रहे हो फिलहाल, इंजीनियर्स अड्डा है, और डिफेंस अड्डा है, और स्टेट एग्जाम की भी हमारे लिए अलग स्पेसिफिक चीज़ें हैं। सो विल मीट टुमारो एंड विल टॉक अबाउट द ब्लड रिलेशन फर्दर, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, एंड हाँ ब्लेसिंग्स, और साथ में अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और घर पे रहिए, उछल कूद मत मचाइए, जो भी उछल कूद मचाना है घर पे मचाइए, बाय बाय।